लखनऊ की कैंट सीट एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा की वजह जो है वो दरअसल जो यहाँ पर प्रत्याशी दिए गए हैं वो है लखनऊ की कैंट सीट से निवर्तमान कानून मंत्री बृजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने राजू गांधी जो हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में लखनऊ कैंट के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं और उनके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये किनके साथ जाना चाहते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। पाठक जी बताइए कि कौन जीत रहा है इस बार? देखिए हमें तो लगता है कि भाजपा ही की सरकार आएगी। और एक हमारा कहने का मतलब ये है कि लोग यहाँ पे पहले आते नहीं थे, जो हमारे विधायक रहते थे वो यहाँ पे पहले आते नहीं थे, सुरेश चंद तिवारी हमारे विधायक थे वो यहाँ पे आते ही नहीं थे। अब हम चाहते हैं बृजेश पाठक जी खड़े हुए हैं, अगर वो जीतते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए, हमारे कैंट वासियों का जो है कम से कम थोड़ा सा जो है जो समस्या रहती है, यहाँ पे बहुत सारी समस्या रहती हैं, जैसे कि गड्ढे खुद जाते हैं, नलों में पानी नहीं आता है कभी कदार, तो ये सब समस्याएं उनको सुननी चाहिए। अवनीश जी बताइए कि लड़ाई तो बड़ी दिलचस्प हो गई इस बार जी, कौन जीत रहा है इस बार? सर कोई और विकल्प ही नहीं है, सिर्फ भाजपा ही है और कोई भी नहीं आने की। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी तमाम दूसरे लोग भी टिकट दिए उम्मीदवार बनाए? ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वो अब चूंकि चुनाव है तो वो किसी न किसी को तो उम्मीदवार बनाएंगे ही, हालांकि हमें उनसे कोई जाति वो नहीं है, लेकिन जो भी कार्य इस समय देश में भाजपा सरकार कर रही है किसी भी अन्य के बस की बात ही नहीं थी। जो इस तरह के विकास कार्य या इस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य इस समय भाजपा कर रही है वो अन्य किसी पार्टी ने अब तक नहीं किया है, इसलिए चाहे जो भी ये जो पार्टी ने फैसला लिया है कि पाठक जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भारी भारी अंतर से विजयी होंगे। कौन जीत रहा है इस बार? अब तो कहने बीजेपी आ रही जी, इम्पॉसिबल है, आपकी बात तो नहीं आ सकती, बीजेपी नहीं आएगी, अखिलेश आएंगे। कहे बीजेपी ने बहुत अच्छा दिन दिखा दिया हम लोग को, ऐसा दिन हम लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, ना सोचा था अपने दिमाग में ऐसा लॉकडाउन पड़ेगा। लॉकडाउन से हम मीडियम क्लास लोगों को बहुत असर पड़ा है, उसमें इम्पॉसिबल है, हमें लग रहा नहीं ना आ सकती है। बृजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया राजू गांधी उधर से जी, राजू गांधी तो बन गए हैं, मायावती तो चली गई हैं, अखिलेश यादव ने इसलिए बनाया कुछ सोच ही समझ के बनाया। भाई साहब बहुत देर से आप मुस्कुरा रहे हैं सर, ये क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि अग्रवाल है। अग्रवाल जी, जिशान भाई कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल इस बार बीजेपी जीतना है। नहीं, बीजेपी तो हराल में आएगी, जो बाबा जी ने काम कर दिया वो दूसरा कोई कर नहीं सकता, और ये आज समझ लीजिए शत प्रतिशत और बहुत ही भारी मतों से विजयी हो करके बीजेपी सरकार बनेगी और बाबा जी दोबारा मुख्यमंत्री। पाठक जी उम्मीदवार हैं यहाँ से, बृजेश पाठक कानून मंत्री, और उधर से हैं राजू गांधी सपा से, जिसकी लड़ाई मानी जा रही दोनों की, आपको क्या लग रहा है ज़्यादा मार्जिन किसके पास होगा? बृजेश पाठक निकाल लेंगे यहाँ से सीट आराम से, कैंट सीट से लड़ रहे हैं वो लड़का लेंगे आराम से निकाल लेंगे, लेकिन ये तो कह रहे हैं कोई काम नहीं, वो बड़े परेशान हो। काम किस चीज़ का नहीं हुआ, किस चीज़ का काम कहते हैं? काम हमें ये है, देखिए लॉकडाउन से और सबसे लाभ किसको मिला? तुम्हारे लिए तो इतना लगा भाई, लॉकडाउन तो सबके लिए लगा है। देखिए जब लगना चाहिए था लॉकडाउन तब लगा नहीं, जब तो जिस समय मारा मारी चली थी उस समय लॉकडाउन नहीं लगा, जब 3 महीने का लॉकडाउन लग के इंसान रोड पर आ गया, सारी व्यापारी से पूछो उनकी दुकानदारी सेल कैसे चल रही है। हम खुद व्यापारी है, हमको हमारी खुद दुकान 3-3 दुकान है भाई। देखिए सबसे पहला काम जो मोदी जी ने किया कि इतनी तेजी से देश में ही टीके का आविष्कार किया, टीके का परीक्षण किया और उसे हर जन जन तक घर घर तक पहुंचा करके एक एक व्यक्ति को टीका लगाया, एक टीका नहीं दोनों डोज लगवाई, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी टीके की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको भी उसके बाद दूसरा डोज महामारी, मेरे भी दूसरा डोज लगा भाई, पहले में दर्द हुआ दूसरे में नहीं हुआ। जब लग गया है तो सोचिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि इतनी बड़ी महामारी को, जिससे कि चीन हमारे देश पर कब्जा करने का अपने देश को बहुत ज्यादा देखा नहीं था भाई, ऐसा दिन हमें सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा हम लोग की जिंदगी में, ऐसे दिन हम लोग ने सोचे नहीं थे। लेकिन और यूपी में सबसे कम कोरोना है यूपी के अंदर, कोरोना कौन लाया? चीन वो गए नहीं, मोदी जी चीन गए वहाँ गए, सबसे हाथ मिलाए, सबको बुलाए, सभी तो मोदी कोरोना लेके आए, मोदी जी लेके आए, महामारी को कितने कम समय में कंट्रोल करना, ये
यहाँ पर लखनऊ की कैंट सीट के जो वोटर हैं, मतदाता हैं, आम नागरिक हैं, ये वो लोग हैं और निश्चित तौर पर सबके अपने अलग अलग मत होंगे। कोई बीजेपी को समर्थन कर रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी को, और सबके अपने मुद्दे हैं, सबके अपने वादे और दावे हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक बार फिर से बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है और एक बड़े नेता के तौर पर जो निवर्तमान कानून मंत्री हैं बृजेश पाठक, उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ की कैंट सीट वो सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और माना जाता है कि लखनऊ में सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, एक तरीके से बीजेपी की बेहद मजबूत सीट मानी जाती है। और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ के आम मतदाता हैं उनमें कहीं ना कहीं बृजेश पाठक को लेकर एक सकारात्मकता दिख रही है, और उसी लिए शायद ये सभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी के खाते में फिर से ये सीट जाएगी। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नव भारत, लखनऊ।